मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा वैस लगारी ने एन ए 193 ज़िम्मी इंतखाबी इलेक्शन कमीशन पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हिमायत का इल्ज़ाम लगा दिया है। GNN से खसूसी गुफ्तगु में अवैस लगारी का कहना था कि हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने ज़ाबता अखलाक की कई कार्रवाइयाँ की हैं, लोग अपना हक राय इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें पर पुरअमन मौका दिया जाए। उन्होंने मज़ीद क्या कहा यह जानते हैं। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर साहब ने तो हमारे साथ बहुत बायस रवैया रखा है। किसी की अपने साथ तस्वीर, अमार लगारी का वो दादा है जाफर लगारी जो फौत हुए हैं, उनकी तस्वीर लगाने के ऊपर भी ऑब्जेक्शंस किए, लोग हाई कोर्ट में हर वक्त जी जाते रह गए। तो हम इतने मुतमईन नहीं हैं जो इलेक्शन कमीशन का गैर जानबदाराना रवैया होना चाहिए था। अब कल PTI की ट्रांसपोर्ट जो कि सेक्शन 46 के मुताबिक अलाउड नहीं है, उन्होंने बाकायदा इंतज़ाम किया, उसकी वीडियो और तस्वीरें चली, उसके ऊपर हमने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर को 3 दरख्वास्तें दी, उसने एक दरख्वास्त भी एक्सेप्ट नहीं की, हालांकि उसका वीडियो और हर किस्म का मीडिया के जरिए एविडेंस जो मौजूद है। तो ये बहुत बड़ी एक इसमें तो वायलेशन के ऊपर तो लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो उन्होंने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया।